गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर में टिश्यू चैप्टर स्टार्ट किया था बायो का, जो हमारा सेकंड चैप्टर है। बट आपकी बुक का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6, टिश्यू। टिश्यू में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में स्टार्ट किया कि प्लांट टिश्यूज क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको प्रॉपर्ली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब जो हम लेंगे वो है जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, अगर वो अपने डिविजन को स्टॉप कर देते हैं, जो मैंने आपको बोला भी था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो ग्रोथ है अगर वो रुक रही है तो नेक्स्ट टिश्यू में चेंज हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएंगे? तो हमारा जो प्लांट टिश्यू है उसका सेकंड पार्ट क्या बनेगा बच्चों? दैट इज परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू कब बना, किससे बना? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। किससे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब ग्रोथ खत्म कर दें, यानी डिवीजन स्टॉप कर दें, तो वो किस में चेंज हो जाएंगे? वो परमानेंट टिश्यूज में चेंज हो जाएंगे। अब मैम परमानेंट क्या होता है? परमानेंट का मतलब क्या पेड़ जो है वो इतना मोटा हो जाएगा क्योंकि वो जगह ही रोक ले, पूरे दुनिया में एक ही पेड़ रहेगा, या हम देख ही नहीं पा रहे इतना ऊंचा चला गया? कहीं तो स्टॉपेज आएगी ना। तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वो जो रेगुलर डिवीजन वाला प्रोसेस था वो स्टॉप हो रहा है, तो किस में चेंज हो जाते हैं? परमानेंट टिश्यू में। आपको देखो लाइन दे रखी है, परमानेंट टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन विच ग्रोथ हैज आइदर स्टॉप कंप्लीटली फॉर द टाइम बिगिन बीइंग। एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में जब ग्रोथ जो है सेल्स की वो स्टॉप हो जाए, तो वो सेल्स जो है वो परमानेंट टिश्यू को बनाती है। तो जो ग्रोथ है वो क्या हो चुकी है? स्टॉप हो चुकी है। किसकी? सेल्स की ग्रोथ स्टॉप हो गई। स्टॉप होने के बाद में उन्होंने जो टिश्यू बनाया वो परमानेंट टिश्यू कहलाए। फिर नेक्स्ट आपको देखा है, दीज सेल्स मे बी डेड और अलाइव, थिन वॉल्ड। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो गई? ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, कैसी हो सकती है? डेड हो सकती है या अलाइव हो सकती है सेल, यानी या तो वो जिंदा होंगी या मरी हुई सेल्स होंगी, तब जाके परमानेंट टिश्यू बनेंगे। फिर नेक्स्ट दे रखा है आपको इसमें That the thin wall or the thick wall, ये मोटे उसकी भी हो सकती है और पतली सेल वॉल की भी हो सकती है। तो सेल वॉल क्या होगी? या तो थिक होगी या कैसी होगी? थिन होगी। कैसी होगी? थिक और थिन। द नेक्स्ट वन इज परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की ग्रोथ जो है वही किसको बना रही है? परमानेंट टिश्यूज को। फिर इसमें दे रखा है प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन। एक सेल का एक परमानेंट पार्ट पे आ जाना, इट मींस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या रुक जाना? ग्रोथ का क्या हो जाना? स्टॉप हो जाना। और किस में चेंज हो जाना? परमानेंट में। इससे शेप कैसी हो गई? परमानेंट हो गई। दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है सेल्स का? डिफरेंशिएशन। अब अगर एक सेल का मुझे पता चल गया भाई ऐसे ही रहेगी, तो अब मैं उसको काम दे सकती हूँ। आप लोग की कोई शॉप है, आपने कोई वर्कर रखा है उसमें, वो एक महीने में छोड़ के चला गया, तो क्या आप उसको सारा गल्ला संभला देते क्या? नहीं ना। हम लोग उसको पूरा विश्वास कब करेंगे? जब वो हमारे यहाँ टिका रहेगा। तो जब शेप्स परमानेंट हो जाती हैं तो डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब क्या होता है? अब डिवाइड होते हैं फंक्शंस। सेल को क्या मिलने शुरू होते हैं? उनके फंक्शंस डिवाइड हो जाते हैं। जब उनके फंक्शंस डिवाइड हो गए हैं तो डिफरेंशिएशन कहलाएगा। फिर नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस परफॉर्म द परमानेंट टिश्यूज कैन बी आर ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अब जो ये फंक्शंस डिवाइड हुए यानी डिफरेंशिएशन हुआ, इसके बेसिस पे परमानेंट टिश्यूज जो हैं ये कितने टाइप के हैं? ये होते हैं दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं परमानेंट टिश्यूज? टू टाइप्स के। एक होते हैं सिंपल परमानेंट और एक कौन से होते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक परमानेंट में चेंज हो गया, परमानेंट भी दो पार्ट्स में। मेरिस्टेमेटिक के भी तो तीन थे, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एज इट इज परमानेंट के भी दो हैं, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सबसे पहले हमारा है सिंपल परमानेंट। सिंपल परमानेंट का डेफिनेशन है टिश्यूज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल लुक लाइक ईच अदर आर कॉल्ड द सिंपल परमानेंट। एक जैसी
सेम टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म, सेम और एक जैसी, एक टाइप की सेल्स जो होंगी फॉर्म करती हैं किसको, सिंपल परमानेंट को. किसको करती है बच्चों वो फॉर्म, सिंपल परमानेंट टिश्यू को. सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है ना ये भी कितने तरीके के होते हैं बच्चों, तीन तरीके के. ठीक है, जो हमारा फर्स्ट होता है ना वो कौन सा है, पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा, चायमा मत पढ़ना इसको. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्या होता है, पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा के बाद में है कोलन, और जो थर्ड आता है दैट इज स्क्लेरिन. कोलेन्काइमा एंड द थर्ड वन इज स्क्लेरिन. स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है. तो ये तीन पार्ट हो गए, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और क्या हुआ, पेरेन्काइमा. तो थर्ड हम लेंगे स्क्लेरेन्काइमा. तो अब जो हमारा परमानेंट टिश्यू है, जहां हमने पढ़ा कि सेल्स जो होंगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो डिवीजन कुछ रोक चुकी होंगी, स्टॉपेज आ जाएगी, और स्टॉपेज के बाद में ही क्या बनेंगे, परमानेंट बनेंगे. अब परमानेंट जो है वो खुद दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो सिंपल में हो गया, एक कॉम्प्लेक्स में. अब सिंपल जो है वो फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, दैट इज पेरेन, कोलन और स्क्लेरेन. अब हम पढ़ेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पेरेन क्या होता है, कोलन क्या होता है और स्क्लेरेन क्या होता है, कौन कौन किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. जब हमारा प्लांट टिश्यू कवर हो जाएगा ना, तो हम प्लांट टिश्यू के लिए एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनवाऊंगी मैं आपको, और वो फ्लो चार्ट जो है वो दो दो कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ होगा, ताकि एटलीस्ट आप उसको लर्न कर लें, तो आपको जब रिवीजन नोट्स आप पढ़ रहे हो या आप अपना रिवीजन कर रहे हो तो उसमें इजी रहे. तो एक फ्लो चार्ट और बनवाया जाएगा, ठीक है. अब आते हैं हम कि परमानेंट टिश्यू में मैम पेरेन्काइमा टिश्यूज क्या करते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सडन ग्रोथ स्टॉप, तो ऐसा तो नहीं आज भाई रुक गया मैं कल से परमानेंट बन जाना, नहीं, धीरे धीरे स्टॉपेज आ रही ना. तो जो सेल्स जब मेरिस्टेमेटिक परमानेंट में चेंज हो रहे हैं, उसको स्टार्टिंग बेस पॉइंट जो होगा ना परमानेंट का, वो क्या कहलाएंगे, पेरेन्काइमा टिश्यूज. क्या कहलाएंगे, पेरेन्काइमा. जैसे आपको एक लाइन दे रखी है, पेरेन्काइमा इज अ सिंपल परमानेंट लिविंग टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ अनस्पेशलाइज्ड थिन वॉल. क्या बोला है इसमें, बोल रहा है पेरेन्काइमा इज अ सिंपल टिश्यू, बहुत सिंपल परमानेंट टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है एक तरीके का, यानी कि स्किन किस टाइप की सेल्स से बना है, ये लिविंग सेल्स से. किससे, लिविंग सेल्स से. तो आप कहो कि मैम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तो हमने कहा कि डेड हो गई थी सेल. एक सेल जो है वो प्रॉपरली जब परमानेंट में चेंज हो रही, तो बीच में कुछ तो स्टेप्स पास करी होंगी ना उसने. तो परमानेंट का वो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, पेरेन्काइमा. कौन सा है, पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा किसका पार्ट है, सिंपल परमानेंट का. तो पेरेन्काइमा का जो फर्स्ट पॉइंट बना वो कैसा बना, कि सेल्स कैसी होती हैं बच्चों इसकी, लिविंग सेल्स. कैसी होती हैं, लिविंग सेल्स, थिन वॉल्ड होती हैं. ये सेल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं, थिन वॉल्ड, बहुत पतली पतली वॉल से बनी हुई है. ये ध्यान रखना, जब भी डिवीजन, लिविंग सेल्स जो है वो डिवीजन बताती है, जबकि डेड सेल डिवीजन नहीं कर सकती. आप लोगों ने अगर देखा, अगर हमारा हाथ, उंगली कट गई, तो क्या उंगली डिवाइड होकर के नहीं बन जाएगी, क्या नहीं बनेगी. आप लोगों ने कील सुनी होगी, या किसी के मस से हो जाते हैं, उसकी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो जो डेड स्किन खट्टी हुई है वहां पर, क्या वो कर रही है, क्या फर्दर डिवीजन कर रही है, नहीं. अंदर जो सेल्स है ना, जो डेवलप हो रही है, वो डेड सेल्स को ऊपर भेजती जा रही. डेड सेल कभी भी ग्रोथ नहीं करती, क्योंकि वो डेड है, उसमें कुछ है ही नहीं ग्रोथ करने को. तो क्या हुआ कि जो हमारा पेरेन्काइमा होगा ना, सिंपल पेरेन्काइमा, वो क्या कर रहा है, सेल्स ऑलवेज लिविंग, और लिविंग है तो थिन वॉल्ड होनी चाहिए, थिक वॉल्ड. अगर आप एक बंद कमरे में किसी चीज को पैक कर दोगे और उसका डिवीजन भी चलता जा रहा है, तो तोड़ देगी उसको. तो बेटर है कि आउटर सरफेस कैसी हो, थिन हो. तो थिन वॉल्ड सेल्स के थ्रू कौन बनता है, पेरेन्काइमा, परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू. इसकी सेल्स हमेशा लिविंग होंगी, ठीक है. इनमें आईसीएस प्रेजेंट होता है. अब याद करो आईसीएस क्या था, मैंने आप लोगों को आईसीएस की फुल फॉर्म बताई थी ना, जब अपन टिश्यू पढ़ना स्टार्ट करे थे. आईसीएस की फुल फॉर्म होती है इंटरसेल्युलर स्पेस. दो सेल्स के बीच का गैप जो होता है वो आईसीएस कहलाता है. इसमें आईसीएस प्रेजेंट है, क्यों प्रेजेंट है, देखिए
हमने गैस और वो पढ़ा है, याद है सॉलिड वगैरह। मैंने कहा था सॉलिड पार्टिकल्स बहुत क्लोजली बॉन्डेड होते हैं, तो आप उसे प्रेशराइज नहीं कर पाते। अब मैं इसमें कह रही हूँ कि बहुत सॉफ्ट है, लिविंग है, थिन वॉल्ड है, तो इसका मतलब सेल्स में लिटिल बिट गैप होना जरूरी है ताकि वो डेवलप होकर के ग्रोथ दिखा सके। तो ये हुआ आपका सिंपल परमानेंट का कौन सा पार्ट, पैरेन्काइमा टिश्यूज। जब आप इसे आपके एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे ना, तो आपको सेपरेशन नहीं मिलेगा। आप उस पूरे पैरा को पढ़ेंगे ना, उस पैरा को पढ़ने के बाद बीच बीच में आपको नाम मिलेंगे पैरेन, कॉलेन और स्क्लेरेन। तो ऐसे नहीं कि मैम हेडिंग नहीं थी, हमें तो कहीं मिला नहीं, हमने बुक खरीद ली है, परचेज कर ली, बट हमें मिल नहीं रहा नोट्स। ये क्लिप देखने के बाद, नोट्स लिखने के बाद आपको जो बुक में पढ़ना है वो है प्रॉपरली स्टडी करना एक एक लाइन को। वहीं पे आपको ये तीन पॉइंट्स मिलेंगे, सिंपल परमानेंट का बहुत बड़ा सा पैरा मिलेगा, उसी पैरा में तीन मिलेंगे पैरेन, कॉलेन और स्क्लेरेन, और सिर्फ एक एक दो दो फंक्शंस के साथ में होंगे कि इस तरीके की सेल होती है और फंक्शंस ये करती है। ठीक है, आपको स्पेशली मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगी, द सेल्स इन दीज टिश्यूज आर यूजली लूजली पैक्ड। जो मैं आपको आईसीएस वर्ड बोल रही हूँ ना, वो ही मतलब है, लूजली पैक्ड होती है, बिल्कुल एक दूसरे से चिपक के नहीं रहेंगे, नहीं तो डिविजन नहीं कर पाएंगे। तो ये कैसी होती है लूजली, या तो आप नेक्स्ट पॉइंट बना लो भाई, एक पॉइंट हो गया लिविंग सेल, थिन वॉल्ड, आईसीएस आर प्रेजेंट और लूजली पैक्ड होती है। ठीक है, फिर इसमें ये कह रहा है द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू मे बी मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल्स इन दीज टिश्यूज आर यूजुअली लूजली पैक्ड एंड लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस आर प्रेजेंट बिटवीन द पैरेन्काइमा सेल्स। तो फाइनली पैरेन्काइमा सेल का क्या हुआ, एक ही तरीके की सिंपल टाइप ऑफ सेल्स के ग्रुप से बना हुआ टिश्यू पैरेन्काइमा टिश्यू कहलाता है, या सिंपल पैरेन्काइमा टिश्यू कहलाता है। सेल्स हमेशा लिविंग थिन वॉल रहती है, आईसीएस काफी ज्यादा होता है, इस रीजन से वो लूजली पैक्ड होती है। फिर हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। द पैरेन्काइमा इज फाउंड यूजुअली इन द प्लांट इन फॉर्म ऑफ द मेजर टिश्यू ऑफ सॉफ्टर पार्ट लाइक द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पिथ एंड लीफ। तो आपसे ये तो नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी आप इसके एग्जाम्पल याद रख लो। एक तो आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है पिथ, और एक याद रखना है कॉर्टेक्स। आया समझ में पैरेन्काइमा। अब हम पैरेन्काइमा जो है उसके फंक्शंस पे आते हैं कि इनके फंक्शन क्या क्या होने चाहिए। तो फर्स्ट फंक्शन सुनिए, इट स्टोर्स द फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल एंड फैट। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या बन सकता है, स्टोर करता है किसको, फूड को। क्या क्या करता है, ऑयल करता है, फैट करता है, और प्लांट का प्रोटीन भी करता है। सेकेंड पॉइंट दे रखा है पेरेन्काइमा ऑफ स्टेम एंड रूट्स आल्सो स्टोर द न्यूट्रिएंट्स। सेम चीज है, पेरेन्काइमा सेल्स प्रोवाइड्स द सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट्स बाय कीपिंग द सेल रिजिड, टफनेस लेकर के आते हैं। एक सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, टफनेस प्रोवाइड करा। वैसे पेरेन्काइमा में अगर आप ये नहीं लिखें तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज रिजिडिटी अपन नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ेंगे। इनमें इतना ACS होता है कि मोर रिजिडिटी नहीं, हाँ स्टेबिलिटी पे, स्टेबिलिटी सब देंगे। एक प्लांट में जो टिश्यू है वो है ही स्टेबिलिटी के लिए, बिकॉज एक प्लांट को हर मौसम में बाहर, वो थोड़ी भाग के, बारिश आ रही है तो कहीं छाया में जाके खड़ा हो गया, शेल्टर मिल गई, नहीं, उन्हें हर टाइम बाहर एक ही हर सीजन रहना पड़ता है, तो उनमें टफनेस होनी जरूरी है। तो जितने भी टिश्यू हैं वो मैक्सिमम टिश्यू टफनेस, रिजिडिटी, स्टेबिलिटी के लिए ही होंगे। तो इसमें अगर आप पॉइंट बढ़ाना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि क्या दे सकता है, लेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। क्या देता है, लेस स्टेबिलिटी। या फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लेस स्टेबिलिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि क्या देता है इसको, रिजिडिटी। क्या देता है बच्चों, रिजिडिटी, और इसकी जगह आप टफनेस भी लिख सकते हो। ठीक है, और जो लास्ट पॉइंट बनेगा आपका किसका, पैरेन्काइमा टिश्यूज का, वो क्या बनेगा कि और फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट। देखो एक फंक्शन हो गया, फूड स्टोर कर रहा है ऑयल की फॉर्म में, फैट की फॉर्म में, या प्रोटीन की फॉर्म में। सेकेंड जो मेन फंक्शन है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है। मैकेनिकल सपोर्ट क्या होता है मैम, मैकेनिकल सपोर्ट की जो बाहर का जो लेयर बना है उसको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। अगर बाग फट गई, यानी कि उसकी जो कॉर्क है, बाहर की कॉर्क होती है, वो कॉर्क अगर फट गया, छाल फट गई, तो हार्म होना स्टार्ट हो जाता है पेड़ को। तो जो नॉर्मली उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, स्ट्रेंथ दी जा रही है, वो कौन दे रहा है, पैरेन्काइमा टिश्यूज। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, हमने मेरिस्टेमेटिक को हैंड ओवर करवाया किसको, प्लांट परमानेंट्स को। परमानेंट टिश्यूज भी कितने तरीके के हैं, दो, जिसमें हमने पढ़ा एक तो सिंपल परमानेंट और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब हम पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट, जिसके भी कितने पार्ट हैं, तीन, जिसमें हमने अभी खत्म करा है पैरेन्काइमा। आया यहाँ तक समझ में, पैरेन्काइमा का बस ये ध्यान रखना लिविंग सेल्स हैं, थिन वॉल्ड होती है और आईसीएस काफी होता है।
अब हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट कॉलन काइमा पे, जिसमें है ये लिविंग है समवॉट इलोंगेटेड विद सेल्यूलोस थिकनिंग। वैसे तो लिविंग है लेकिन इनकी कई जगहों पे क्या हो जाता है, सेल्यूलोस सबमिट हो जाता है। सेल्यूलोस क्या बनाता है, सेल वॉल, लिखाया है मैंने आपको पॉइंट। तो सेल्यूलोस के सबमिशन के कारण कई जगह से थिक हो जाती है कोलेनकाइमा की सेल्स जो होती है। एंड कोलेनकाइमा सेल्स अपीयर सर्कुलर, ओवल और एंगुलर। दिखने में कैसी दिखती है, गोल गोल सेल्स होती है, सर्कुलर शेप की होती है। और इसके बाद में आप जो बताएंगे वो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले अपन कोलेनकाइमा के कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। पेरेनकाइमा का मैं रिपीट बोल दूं ताकि आप नोट्स में लिख लो। पेरेनकाइमा का मतलब सबसे पहले तो सिंपल परमानेंट का मतलब सेम टाइप या सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से जो बनते हैं वो सिंपल परमानेंट कहलाते हैं। पेरेनकाइमा में सेम चीज आप लिख सकते हो कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से बनाए, सारी सेल्स लिविंग है, थिन वॉल्ड है, आईसीएस काफी ज्यादा है, लूजली पैक्ड होती है, पिथ और कॉर्टेक्स पे प्रेजेंट होती है प्लांट में, फूड स्टोरेज का काम करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑयल फैट और प्रोटीन। द लास्ट वन इज गिव द लेस स्टेबिलिटी रिजिडिटी और द टफनेस टू द प्लांट। आया समझ। अब अपन आते हैं सेकेंड पार्ट कोलेनकाइमा पे, किस पे, कोलेनकाइमा, ठीक है। तो अपन पेरेनकाइमा को रब कर देते हैं प्रॉपरली, इसके बाद में अपन लेते हैं कोलेनकाइमा। सेम है काफी पॉइंट्स, जैसे कि कोलेनकाइमा का हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, सेल्स कैसी हैं बच्चों, लिविंग सेल्स हैं। कैसी हैं, अलाइव लिविंग सेल्स। सेकंड, थिकर, मोटी होती हैं बिकॉज ऑफ द सेल्यूलोज सबमिशन। सेल्यूलोज के जम जाने के कारण कई जगह से कैसी हो जाती है, थिकर हो जाती है। फिर आपको इसमें पॉइंट दे रखा है थिकर के साथ साथ ही कि द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा आर लिविंग समवॉट इलोंगेटेड विद सेल्यूलोज थिकनिंग एंड दे आर फाउंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स। कहाँ मिलती है, फाउंड एज द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स। कोलेनकाइमा सेल्स अपीयर द सर्क्यूलर, ओवल और एंगुलर इन द ट्रांसवर्स सेक्शन इंटरनली। ईच ऑफ द सेल्स पॉसेस अ लार्ज सेंटर वैक्यूल। इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, इनमें वैक्यूल्स जो होते हैं वो काफी लार्ज होते हैं इसकी सेल्स के, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट है, इस पॉइंट को आपने गौर से सुनिए, दे आर फाउंड एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रिप्स पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन पे आते हैं कि कहाँ कहाँ हो सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में है, इसमें एक स्पेशली आपको जो पॉइंट ध्यान रखना है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, ये अभी आपके नहीं है तो आप इस लैंग्वेज को रहने दीजिए। देयर इज अ वेरी लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस बिटवीन द सेल्स एंड कोलेनकाइमा ऑफ कोलेनकाइमा टिश्यूज। जबकि हमने पेरेनकाइमा का पढ़ा था कि काफी स्पेस होता है, इसका फिफ्थ पॉइंट बन जाएगा आईसीएस कैसा होता है, लेस, वजह किसके, पेरेनकाइमा के। अब डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आपको दे रखा है, कोलेनकाइमा टिश्यूज इज यूजली फाउंड बिलो द एपिडर्मिस इन स्टेम, पिटियोल्स और स्टॉक्स ऑफ द लीफ। तो आप इसमें स्पेशली जो पॉइंट्स लिखेंगे वो क्या होगा, वो होगा आपका एग्जाम्पल कि क्या कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ। तो आप चाहे इसको सिक्स पॉइंट ले सकते हैं कि सिक्स पॉइंट क्या है, आईसीएस बहुत लेस परसेंटेज पे प्रेजेंट है और स्पेशली जो ये प्रेजेंट है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलो द एपिडर्मिस। कहा, इतना ही लिख दो, आप पूरे नाम नहीं लिखोगे तो चलेगा, बिलो द एपिडर्मिस। मैम ये एपिडर्मिस क्या होता है, एक लीफ लो, पत्ती, जो पत्ती होती है उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना वो एपिडर्मिस, किसी भी प्लांट का कोई भी आउटर सरफेस, लीफ है, रूट है, कुछ भी, जब आप उसकी स्टडी करोगे तो जो थिन लेयर हटाते हो वो एपिडर्मिस होती है टिश्यू में। जब हम आप लोगों का बुक अगर आपको मिल गया हो ना तो वहां आपको डायग्राम्स मिलेंगे टिश्यू के, सबसे आउटर कवरिंग पे एपिडर्मिस लिखा हुआ होगा। तो इसमें आपको लिखना क्या है, बिलो द एपिडर्मिस, कहां प्रेजेंट है स्पेशली, उसका एग्जांपल क्या होगा, बिलो द एपिडर्मिस। पत्तियों के एपिडर्मिस के नीचे जो जस्ट प्रेजेंट होता है वो कौन सा टिश्यू होता है, वो होता है कोलेनकाइमा सिंपल परमानेंट, ठीक है। अब इसका फंक्शन स्पेशली क्या फंक्शन कर सकता है, अगर हम कहें कि हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज का देखा कि वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा था, वो फूड स्टोर कर रहा था, आईसीएस काफी ज्यादा थे तो बाउंसीनेस थी, यानी कि वो दब पा रहे थे, डिवीजन कर पा रहे थे थोड़ा बहुत। इसमें आपको फंक्शन में दे रखा है, इट प्रोवाइड्स द टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी, उससे ज्यादा
जो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू है उनसे बढ़कर के क्या देते हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तो हम लिख सकते हैं कोलेनकाइमा टिश्यूज का जो सेवेंथ पॉइंट है वो क्या बनेगा, प्रेजेंट फॉर दी टेंसाइल स्ट्रेंथ। किस चीज के लिए प्रेजेंट है ये बच्चों, मोर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए, किसको, पेड़ के एपिडर्मल पार्ट के लोअर, एपिडर्मिस के लोअर पार्ट। एंड ड्यू कोलेनकाइमा आल्सो प्रोवाइड्स द इलास्टिसिटी टू द प्लांट ऑर्गन एंड द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू द कोलेनकाइमा टिश्यूज। आपने कभी देखा पेड़ जो है वो हवा चलती पतले, सॉरी, जो ब्रांचेस और स्टेम होते हैं वो पतले होते हैं तो झुक जाते हैं क्या, टूट के नीचे गिर जाते हैं क्या, हवा रुकी तो फिर सीधा हो गया, फिर झुक रही है पत्तियां हिल रही, तो जो फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है ब्रांचेस वगैरह इन सब में वो किसके कारण होती, कोलेनकाइमा के कारण। तो इसको स्टार बना के लिख लेना, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी। काफी सारे ऐसे पार्ट हैं जैसे पेड़ों की ब्रांचेस जो हैं या थिन स्टेम जो हैं उनकी बेंडिंग जो होती है वो किसके कारण हो रही है, कोलेनकाइमा के कारण, नहीं तो टूट के गिर जाएंगे अगर टफ होंगे तो। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा। इसमें दे रखा है इट इज ऑल्सो सिंपल परमानेंट सेल ऑफ द टिश्यूज आर डेड, अभी तक दोनों लिविंग थी अब डेड हो गई है। दीज आर लॉन्ग नैरो एंड टेपरिंग एंड, बहुत पतली पतली, और टेपरिंग एंड का मतलब कोने पे से पतली बिल्कुल पैनी होती हैं, जैसे गाजर होता है मूली होती वैसे टेपरिंग एंड होते हैं। देयर सेल वॉल आर थिकेंड ड्यू टू द लिग्निन सबमिशन एंड सेंट्रल कैविटी ऑफ द सेल इज ग्रेटली रिड्यूस्ड ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। तो अब हम लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज जो हैं हमारे, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज में हम क्या क्या लिखेंगे, स्क्लेरेनकाइमा का हमारा फर्स्ट पॉइंट बनेगा डेड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों ये, डेड सेल से बनता है। सेकंड आप लिखोगे आईसीएस एब्सेंट होता है, आईसीएस एब्सेंट होता है भाई, द डेड आगे ना आईसीएस एब्सेंट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे, टैपरिंग एंड्स होते हैं। टैपिंग एंड्स का मतलब क्या हुआ, टैपिंग एंड्स का मतलब हुआ पैने, इस तरीके से होते हैं, ऐसी होती है सेल। फोर्थ पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे, नैरो ल्यूमेन होता है। अब मैम ल्यूमेन क्या हो गया और नैरो क्या हो गया, नैरो का मतलब पतला, ल्यूमेन का मतलब स्पेस, पैन है और पैन में रिफिल है। अब आप उस पैन के अंदर बहुत सारा कागज भर दो, रिफिल डाल दो, पैक कर दो, क्या अब स्पेस बचा, नहीं बचा। तो ये पाइप, ये ट्यूब जो है, ये री कौन सा, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। थिकनेस के कारण, मोटेपन के कारण क्या होता है, अंदर का ल्यूमेन जो होता है, जो स्पेस होता है, जैसे पाइप जहां से पानी आता है वो ल्यूमेन है। अगर मैं पाइप में बहुत सारी मिट्टी विट्टी या कुछ भर दूंगी तो ल्यूमेन कम हो जाएगा, तो इसका नैरो होता है ल्यूमेन। और फिफ्थ पॉइंट जो आप लिखेंगे इसमें किसका सबमिशन होता है, इसमें होता है सबमिशन ऑफ लिग्निन, एक डेड सब्सटेंस है ये भी, इस पे लिग्निन सबमिट हो जाता है और सेम टफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका कौन सा, सिंपल परमानेंट का थर्ड पार्ट, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। ये ध्यान रखना कि पेरेन और कोलेन जो है वो दोनों ही लिविंग सेल से बन रहे थे, पेरेन में ज्यादा आईसीएस था, कोलेन में कम था और स्क्लेरेन में एबसेंट हो गया है। उनकी जो स्ट्रक्चर्स थी वो ओवल शेप्ड या स्फेरिकल गोल गोल थे, ये ऐसे गाजर के जैसे होते हैं दोनों साइड से पैने, तो टैपरिंग एंड होते हैं इनके। नैरो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन का मतलब जो ट्यूब या इन डक्ट्स के अंदर जो स्पेस है वो कम है, बिकॉज ऑफ द सबमिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन एक डेड सब्सटेंस है जो इसके ऊपर जम जाता है। स्पेशली जो आपको स्क्लेरेनकाइमा में दे रखा है दैट इज द फंक्शन, एक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, इसमें दे रखा है दे आर प्रेजेंट अकर इन द वीन्स ऑफ द लीव्स। पत्ती देखिए कभी क्लोज ला करके, ये देखा होगा ना पत्ती को आपने, ये जो है ये वीन्स हैं, जैसे आपकी बॉडी में ब्लड जाता है ना वैसे पत्तियों में भी खाना वगैरह ले जाना, फूड जो भी सब्सटेंसेस हैं वो ये वीन्स ले जाती हैं। कौन ले जाती हैं, वीन्स। तो इन वीन्स पे जो टिश्यू प्रेजेंट है दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। तो लीव्स की वीन्स जो हैं वो कौन सा टिश्यू कंटेन करती है, स्क्लेरेनकाइमा, सिंपल परमानेंट टिश्यू।
ठीक है। और लास्ट फंक्शन जो है इसमें, आपने फंक्शन में आपको देखा है दे प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मैंने अभी जस्ट बोला सबसे ज्यादा टफनेस या रिजिडिटी जो होगी वो कौन देगी, स्क्लेरेंकाइमा। तो अब आंधी तूफान आ रहे हैं, कोई पत्थर फेंक रहा है, तो क्या पेड़ नीचे गिर जाएगा पत्थर फेंकने से? नहीं, वो जो टफनेस आई ना बिकॉज ऑफ द स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। तो मोर रिजिडिटी, मोर मैकेनिकल सपोर्ट, मोर टफनेस की या मोर स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यूज। तो आज जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, वापस रिपीट कर रही हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत होना। चैप्टर में हमने सबसे पहले पढ़ा टिश्यू का डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ा टिश्यू कितने टाइप के हो सकते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, फर्स्ट इज द प्लांट एंड सेकंड वन इज द एनिमल टिश्यू। फिर हमने पढ़ा प्लांट टिश्यू कितने टाइप का हो सकता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, फर्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द सेकंड वन इज द परमानेंट टिश्यू। मैं जब फ्लो चार्ट बनाऊंगी ना तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन चैप्टर प्लांट टिश्यू ओवर होने के बाद। The meristematic tissues are divided into the three parts. First is apical, second is lateral, and third is intercalary. As it is, the permanent tissues are divided into two parts, simple permanent or complex permanent. The simple permanent divided into further three parts. They are parenchyma, sclerenchyma, or collenchyma. And the complex permanent tissue, because वो थोड़ा lengthy topic है, तो हम next lecture में लेंगे. They are divided into also two parts. First is the xylem, and the second one is phloem. और जब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होएगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और उस फ्लो चार्ट के अंदर दो दो फंक्शन यानी उनकी प्रॉपर्टीज लिख देंगे, जिससे आपको वो एक बार रिवाइंड हो जाए, ठीक है। तो अभी तक के जो हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं टिश्यू के, प्लांट टिश्यू के, मेरिस्टेमेटिक और सिंपल परमानेंट के, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको लिख रही हूँ। ये क्वेश्चन के आंसर्स प्लीज आप अपने नोट्स कॉपी में, नोट्स को कंप्लीट करने के बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चंस लिख लीजिए आप लोग इनके। हमारा जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है परमानेंट इश्यूज का, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ये हैं। फर्स्ट वही सेम कि परमानेंट टिश्यू क्या है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के ग्रोथ कंप्लीट करते जो नेक्स्ट टिश्यू फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है, परमानेंट टिश्यू। क्या कहलाता है, परमानेंट टिश्यू। सेकेंड वन इज व्हाट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब है एक ही टाइप की सेल से, बिल्कुल सिंपल सेल्स, सिंगल या सेम टाइप ऑफ सेल्स के ग्रुप से जब परमानेंट टिश्यू बनता है तो उन्हें सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं। What is parenchyma? Parenchyma is a part, a dividing part of the simple permanent tissues which carries the more ICS, more flexibility, responsible for the mechanical strength. तो जितने मैंने आपको 7 से 8 points लिखाए थे उसमें से 3 to 4 points तो at least आपको इस definition में लिखने, ठीक है। What tissue responsible for the flexibility of plant? कौन सा था जो flexibility दे रहा था? Collenchyma. मोर रिजिडिटी कौन दे रहा था? सबसे ज्यादा टफ कौन है? जो डेड सेल्स है, तो वो कौन है? स्क्लेरेंकाइमा। और सिंपल परमानेंट कंटेन करता है, कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू आईसीएस लेस कंप्लीट करता है और मोर सबसे कम किसमें? जो मोर रिजिडिटी, तो कौन है? स्क्लेरेंकाइमा। और सबसे ज्यादा बाउंसीनेस जो है वो किसमें है? पेरेंकाइमा में। तो सबसे कम है स्क्लेरेंकाइमा में और सबसे ज्यादा है पेरेंकाइमा में, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी कॉपी में कंप्लीट कीजिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो चैप्टर का डिवाइडिंग पार्ट अपना रह रहा है, शेष भाग जो अपना रह रहा है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।